असलम वेलकम बैक उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आज हमारा स्मार्ट मनी एडवांस डिज का लेक्चर टेन है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि राइट स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है तो लेक्चर वन से लेकर लेक्चर नाइन तक हमने जो जो चीज़ें सीखी थी वो इस वीडियो में सारी अप्लाई करेंगे जिसमें आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट सब सीखने का आप को आपको मिलेगा तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है कोई पॉइंट मिस नहीं करना बहुत एजुकेशनल वीडियो होने वाली है आपके लिए क्या आप किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं मैं गोल्ड के वन एस टाइम फ्रेम पे हूँ और यहाँ पे आप देखें कि मार्केट पहले एक बिरिश ट्रेंड में थी उसके बाद मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया तो हमने मैंने आपको बताया था कि हमने प्राइस की मैपिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ से प्राइस ने अपना करेक्टर चेंज किया होता है तो इस केस में आप देखेंगे कि जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट था वो ये वाला एरिया था जिसको प्राइस ने जो है ब्रेक नहीं किया और नया लोअर लो नहीं बनाया और फिर क्या हुआ प्राइस ने जो इंटरनल आपका जो सॉरी इंटरनल हाँ इंटरनल कह रहा है क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे हैं उसको अंदर से ब्रेक कर दिया तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया प्राइस ठीक है और उसके अबव क्लोजिंग हमें मिल गई फिर हम क्या करते हैं फिर हम अपना हायर हाई कंफर्म करते हैं किस चीज़ से कि हमारा जो लेफ़्ट साइड पे पुल बैक होगा उसको प्राइस ले ले अच्छा तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई क्लोजिंग करने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया ऊपर गई ऊपर जाने के बाद क्या हुआ प्राइस ने हाई बनाया और ये वाला पुल बैक लेना था एज इंड्यूसमेंट नहीं लिया यहाँ से करके ऊपर चली गई तो ये हाई कंफर्म कब हुआ ये वाला हाई ये वाला हाई कब कंफर्म हुआ जब आपका प्राइस ने ये वाला पुल बैक ले लिया ठीक है तो ये हमारा हाई कन्फर्म हो गया जस्ट अ मोमेंट हाँ ये वाला हाई हमारा कन्फर्म हो गया क्योंकि ये वाली जो इंड्यूसमेंट थी यहाँ पर आके ले ली किस तरह प्राइस यहाँ से इस तरह गई थी ऊपर ठीक है अब ये वाला था इससे मार्केट जो है नीचे यहाँ पे आ जाती लेकिन ऐसा हुआ नहीं मार्केट ने यहाँ पे गई और यहाँ से फिर क्या किया इसको नीचे इंड्यूसमेंट, ये वाले एरिया को ले लिया ठीक है तो जब यह इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया ठीक है तो हम इसको मार्क आउट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे अच्छा ये हमारा इंड्यूसमेंट होगी जो फर्स्ट पुल बैक होता है लेफ्ट साइड का ठीक है याद रखें आपकी इंड्यूसमेंट जब तक ली ना जाए वो बढ़ती रहती है ठीक है ना अब ये नहीं कि अगर पहला इंड्यूसमेंट ये थी तो यही रहेगी आगे अगला पुल बैक होगा तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी फिर अगला पुल बैक होगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट होगी ठीक है यह हायर कन्फर्म हो गया अब क्या है हमारा जब इसको प्राइस तोड़ेगी तो हमारा क्या होगा लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा जो हमारे प्राइस का है ठीक है ना सॉरी तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है हम ढूंढते हैं एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ठीक है इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ठीक है हम अपने ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो बनाने शुरू करते हैं ठीक है ना पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये एक तो आपका इम्बेलेंस भी है इसमें और आपका जो है फेयर वैल्यू गैप भी है आप देखो यहाँ पर ज़रा अच्छी तरह से तो आप देख सकते हो कि आपके ये वाली रेड कैंडल और इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है और आपका ये वाला अनमिटिगेटेड भी है किसी ने इसको मिटिगेट भी नहीं किया ठीक है फिर हम क्या करते हैं हम नीचे चलते हैं और अपने दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को भी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक हैं वो यहाँ पे आप देखो कि मिटिगेट हो चुके हैं ये वाला इसने मिटिगेट कर दिया ये वाला था इसने मिटिगेट कर दिया ये वाला इस वाले ने मिटिगेट कर दिया यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वैलिड यहाँ पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इम्बेलेंस भी है और वो भी है फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है जब उसके अंदर एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप या इम्बेलेंस आपको मिल जाए ठीक है जहाँ के जब यहाँ पे मौजूद है ठीक है तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक ये मिला एक ऑर्डर ब्लॉक हमें ये मिला और नीचे आएंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें एक्सट्रीम पे मिला ये वाला अच्छा अब यहां पे जो सबसे बड़ी कैंडल है वो ये वाली है सही है कौन सी लास्ट कैंडल ठीक है कुछ लोग क्या करेंगे ये ग्रीन को मार्क कर लेंगे कुछ क्या करेंगे लेकिन असल में जो कैंडल है वो आपकी ये वाली ग्रीन कैंडल है जो कि सबसे लोवेस्ट है और यही आपने मार्क करनी है ठीक है इसके अब देखें इसका हाई और लो जो है इसका जो लो है जब तक स्वीप नहीं होता नहीं होता तो तब तक, तक यही रहेगी तो उसके बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस केंडल, ये कैंडल हमारे काम की तब नहीं होती अगर ये जो ये वाली कैंडल इसको आके मिटिगेट कर देती ठीक है तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो प्राइज़ है वो सिर्फ दो ही पी पे काम करती है तो अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक ये बना तो इस पर क्या हम सेल ले लेंगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें आप यहाँ पे और भी ऑर्डर ब्लॉक हैं लेकिन वो वैलिड नहीं है ठीक है यहाँ पर देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी है ये वाला ठीक है यहाँ पे प्राइस आप देखो उसने आके रिएक्ट किया और उसको फ़ेल कर दिया ठीक है ना फिर आप ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हमने मार्क किया ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी और उसको फ़ेल कर दिया ठीक है तो इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा डिसीजनल होता है मतलब इसमें हमने फैसला लेना होता है कि हमने इसमें बाय करना है या नहीं करना अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके वन और वन एच में अगर यहाँ पे ये टैप किया है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके थर्टी फोर्टी पिप्स का यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं क्योंकि यहाँ से मार्केट फेल कर गई ठीक है ना तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे इस जब ये कैंडल टच करके क्लोज हो जाती है वह तो हम जाके छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर और ये सारी चीजें देख कर ट्रेड लेते हैं ठीक है तो मैं ट्रेड लेने का नहीं बता रहा आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैपिंग कैसे की जाती है ठीक है उसके बाद क्या है या आ ये पहला था और जब पहला फेल हो जाए तो उसके बाद हम सिर्फ एक्सट्रीम पे ही मैं फोकस करता हूँ मैं बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बने उस पर फोकस नहीं करता हूँ अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बीच वाले काम नहीं करते लेकिन क्या है ये ज़्यादातर मेरे देखने में जो मैंने देखा है वो आ जो है इसमें आपको ट्रैप ही मिलेगा आपके फेल हो जाएंगे और मार्केट रिएक्शन देती है और उसके बाद फेल हो जाती है अगर आपने एक लंबी ट्रेड पकड़नी है लो से हाई तक की या हाई से लो तक की तो आपको जो है सही तरह से वो करना है लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ 10-20 पिप में ही मैं निकल जाऊं तो वो स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा जिसमें हम बताएं मैं आपको बताऊंगा कि 20 पिप लेकर आपका कितना प्रॉफिट होगा लॉट साइज़ वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन अगर आपने अगर लंबी ट्रेड लेनी है स्मॉल आपके जो लॉट साइज़ से तो फिर आपको पूरी अच्छी तरह से मैपिंग करनी आनी पड़ेगी ठीक है फिर क्या हुआ मार्केट ने इसको इसलिए नहीं लिया यहाँ पे रिस्पेक्ट भी नहीं दी क्योंकि ये एक आपकी इंजीनियर लिक्विडिटी भी कहलाई है ठीक है इंजीनियर लिक्विडिटी क्या है वो हम बाद में बात करें कोई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस वक्त लेकिन फिर आप देखें यहाँ पे जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पे आके प्राइस प्राइजें जो है आपको रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्ट देने के बाद क्या हुआ मार्केट आपकी उस डायरेक्शन में चली गई ठीक है यहाँ पे एक्सट्रीम पे आके टैप किया आप जो है अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन लगाते तो आप जो है आप इसमें जैसे ही मतलब इंटर हुए थे और उसके बाद फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते और उस पर वहाँ पे वो करते और जो आपका टारगेट था वो जो रिसेंट हाई जो हाई था जिसको ब्रेक करना था वहाँ तक था और जो आपका स्टॉप लॉस था वो आपने इसके नीचे रखना था किसके नीचे जो आपका वो था ठीक है क्योंकि ये हाई क्यों बता रहा हूँ अब इसके बाद ऊपर भी प्राइस गई है क्योंकि अक्सर क्या होता है ये हाई स्वीप होता है उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ जाती है तो आप थोड़े से एक दो पिप नीचे रखें इट डजेंट मैटर ठीक है छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपका जो एस है और जो आपका ये जो जून है ये आपका और बच जाता है ठीक है तो बिग टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम दोनों की एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा जब फिर हम दोबारा इसमें वीडियो बनाएंगे ठीक है ना तो अभी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ी बहुत बता रहा हूँ क्या हुआ मार्केट ने प्राइस ऊपर क्लोज कर दी क्लोज करने के बाद यह हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड की तरफ हो गया ठीक है अब जो है हमारा जो लोअर लो था वो कंफर्म हो गया मैं इसको हटा देता हूं जो हमारा लोअर लो था वो ये वाला कंफर्म हो गया क्योंकि इस लेग ने इसको ब्रेक किया ठीक है तो अब हमारा जो प्लेइंग एरिया है वो कहां तक है जब तक मार्केट अब इसको ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देती तो हमारा प्राइस का करेक्टर वो हाई ही रहेगा ठीक है अब हमने क्या करना होता है अपना जब स्ट्रक्चर आपकी तरफ हो जाता है तो हम उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं कन्फर्म हायर हाई ठीक है high, तो हम हायर हाई कन्फर्म करने के लिए क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि जो इंड्यूसमेंट है वो प्राइज ने ले ली है या नहीं ली है अब कई लोग इसको भी आपका वैलिड जो है वो कह देंगे क्या High. क्यों वो बोलेंगे ये पुल बैक है नहीं ये वैलेट पुल बैक नहीं क्योंकि ये जो कैंडल है ये बड़ी वाली कैंडल इसका जो हाई है वो तो स्वीप किया ही नहीं मतलब जो है अगर तो कैंडल नीचे आके इसका लो स्वीप तो तो एक वैलेट पुल बैक था तो ये वैलेट पुल बैक नहीं है ठीक है तो ये वाला हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये सबसे ग्रीन ये ग्रीन वाली कैंडल जो है ना ये सबसे बड़ी है तो इसका जो है हाई और लो दोनों प्रोटेक्टेड है तो अंदर वाले मूव्स जो है हमारे वो आ, क्या नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हमने नहीं देखना तो प्राइस को क्या चाहिए था ये वाला आपका लेती इंड्यूसमेंट तो फिर हमारा ये हायर कंफर्म होता था लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया और एक नया लो बना दिया अब ये कंफर्म करने के लिए प्राइस को ये लेना था प्राइस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आगे चली गई अब यहाँ पे लोग कई कंफ्यूज हो गए लोगों के, लो के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर इस तरह बनता रहेगा ठीक है थीके? उसके बाद क्या हुआ अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है प्राइस इंटरनल मूव करी जब तक इसको नहीं लेती हमारा हाई रई कन्फर्म नहीं होगा लेकिन प्राइज़ ने इसको ब्रेक कर दिया और एक नया हाई बना दिया ये वाला अगर ये कंफर्म करना था तो ये वाला लेना था क्योंकि ये प्रॉपर जो है पिछली कैंडल का जो है लो स्वीप किया हुआ है तो ये वैलेड पुल बैक है लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया और अगला स्ट्रक्चर बना दिया और उसके बाद क्या किया ये वाला पुल बैक था जिसको प्राइस ने लेना था और वो उसने लिया और लेने के बाद हमारा क्या हो गया भाई बोलो कन्फर्म हो गया क्या कन्फर्म हो गया हाई कन्फर्म हो गया ठीक है ये हमारा हाई कन्फर्म हो गया अब क्या है प्राइस को इसको ब्रेक करना है अगर इसको प्राइस ब्रेक नहीं करती स्वीप करती है तो भी उसका एक एंट्री मॉडल है एंट्री मॉडल बहुत सारे हैं वो मैं आपको एंट्री मॉडल आने वाले टाइम में बताऊंगा अभी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए और आप उसको अच्छी तरह से सीखो ठीक है इन्डेस्टमेंट के बाद हम क्या करते हैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये था अब देखते रहो यहाँ पर कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी आपको मजा भी आएगा ये ऑर्डर ब्लॉक था ठीक है ये जो ग्रीन कैंडल थी आपकी ऑर्डर ब्लॉक थी ऐसी बात है ये लाल वाली कैंडल ने यहां पर रिस्पेक्ट दिया फेल कर दिया ठीक है नीचे जाएंगे ये order, ये ऑर्डर ब्लॉक था तो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने यहां पे है ठीक है जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको माइनर सा इम्बेलेंस भी नज़र आ रहा है जिसको प्राइस ने टैप किया और मार्केट निकल गई अच्छा याद रखें ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी का हिस्सा नहीं है ठीक है ना यह मोर कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है करने के बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने जो है अपना हाई ब्रेक नहीं किया और वापस फिर यहाँ पर कंसॉलिडेट हो गई ठीक है जो अभी करंट प्राइस चल रही है अब क्या है क्या हो सकता है पॉसिबल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है प्ले करने का एरिया आपका ऑफ स्ट्रक्चर किसने किया था इस एरिया तो यहां से लो यहां लो से लेकर यहां तक जो है ये पूरी जो लेग है आपकी कहां से कहाँ तक यहां से यहां तक ये यह जो पूरी लेग है इसमें आप प्ले कर सकते हैं ठीक है आपने मैपिंग सीखी यहाँ पे कि क्या हुआ सॉरी यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया इस ऑर्डर ब्लॉक पे और उसके बाद क्या हुआ मार्केट ऊपर गई लेकिन आपका जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया और वहाँ से मार्केट बीच में कंसोलिडेट हो गई ठीक है अब हो सकता है मार्केट जो है इसको ब्रेक कर दे और नीचे की तरफ आए तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है कौन कौन सा वैलिड है ठीक है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे पड़ा हुआ है कई पड़े हुए हैं तो हम हर किसी को नहीं देखेंगे क्योंकि लिए अगर ये वाला फेल हो गया तो मोस्टली चांस है कि आपका जो है एक्सट्रीम वाला काम है या ऐसा एरिया ऐसा ऑर्डर फ्लो काम है जो अनमिटिगेटेड हो ठीक है बीच में अक्सर वही काम आता है जो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी हो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी हो यहाँ पे आप देखो ये अनमिटिगेटेड नहीं है ये मिटिगेट हो चुका है ठीक है और अगर हम ये वाला ऑर्डर फ्लो देखें आ, तो अगर हम ये वाला ऑर्डर फ्लो देखें तो ये भी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अब मिटिगेट हो चुका है ठीक है जो ये वाली मूव ने कर दिया है ठीक है अब यहाँ पे हम एक नीचे देख लेते हैं ये वाला भी ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया अगर कोई भी ऑर्डर फ्लो आपका मिटिगेट हो जाए तो फिर आपका आ, उस एरिया का ऑर्डर ब्लॉक उतना काम का नहीं होता ठीक है तो ये बात याद रखें तो यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो बाकी है हमारा जो अनमिटिगेटेड नज़र आ रहा है मुझे ये लास्ट बाइंग मूव थी जो अभी तक किसी ने इसको आके मिटिगेट नहीं किया ठीक है तो इसके अंदर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ये वाला एरिया में मुझे नज़र आ रहा है जो विद प्रॉपर इम्बेलेंस के साथ है ठीक है प्राइस इस पर आकर रिएक्ट कर सकती है अगर नीचे को आई नहीं करेगी तो अगर ऊपर ब्रेक कर देती तो आपका ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद फिर क्या है आपको इस एरिया में जो है फाइंड आउट करना है क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक और फिर ट्रेड ठीक है यह था वन आवर का टाइम फ्रेम तो जब आपका ऐसा एरिया होता है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है और वहाँ से कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड लेनी है और जब कंफर्मेशन भी लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस मूव करते हैं आप मैनेजमेंट करते हैं अपनी ट्रेड की ठीक है तो आज की वीडियो में आपने ये सीखा कि हम कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मिलता है ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट सब ये सारी चीज़ें कैसी मिलती हैं ठीक है थीके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़ अगर वीडियो की समझ ना आए तो बार बार इसे देखें मैं नहीं चाहता कि बहुत कुछ एक ही वीडियो में बता दूँ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आ, तो ये आगे कुछ चीज़ें और हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो आपको बताकर फिर हम जो है इसमें एक बहुत लंबी वीडियो में आपको लिए लाऊंगा जिसमें शुरू से ले एंड तक ऑलमोस्ट जो है बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक सारी जो है आपको बताऊँगा विद लाइव मार्केट कैसे इसमें हम ट्रेड लेनी है कैसी चीज़ें करनी है ठीक है अल्लाह हाफिज़